फैमिली 47 लाख रुपीज, 4 BHK का फ्लैट मात्र 47, वो भी एल टाइप का, 47 लाख रुपीज। ओए होए होए, हवा महल भाई साहब, हवा महल फैमिली, वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ही वेंटिलेशन। इंडिपेंडेंट हाउस है, इंडिपेंडेंस मतलब 4 फ्लोर बस। हेलो दोस्तों, फैमिली नीव नमस्कार। मैं जगदीप सिंह चौहान, मेरी कंपनी का नाम नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड। तो हाँ फैमिली, आज आपकी डिमांड पे लेकर आया हूँ 4 BHK फ्लैट। जी हाँ, 4 BHK, वो भी एल टाइप के अंदर, कार पार्किंग के साथ, दिल्ली के अंदर नवादा मेट्रो स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर हमारा ये 4 BHK का फ्लैट है। बहुत ही शानदार है, देखने से आपको पता लग रहा होगा। सो फैमिली, मेरा कहने का मतलब ये है कि हवा महल लेकर आया हूँ आपके लिए, हवा महल। जी हाँ, इस फ्लैट का नाम है हवा महल। जब भी कॉल करोगे यही बोलना कि हवा महल देखना है। कहने का मतलब ये फैमिली, फुल्ली वेंटिलेटेड है। जहाँ मर्जी देखो, आप हॉल में देखो, इस रूम में देखो, उस रूम में देखो, किचन में देखो, सब जगह विंडो ही विंडो है। फैमिली कहने का मतलब है सब जगह विंडो आपको मिलेगी, वेंटिलेशन की भरमार है। मतलब जिन लोगों की ये कंप्लेंट रहती थी ना कि भैया खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, विंडो नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर जी आपको। सो फैमिली, इस फ्लैट की पूरी वीडियो दिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, फिर दिखाऊंगा आसपास की गली, और उसके बाद आएंगे अब अपने फ्लैट के अंदर। तो आइए फैमिली, पूरे फ्लैट की वीडियो देखने से पहले चलते हैं फ्रंट व्यू की ओर। तो आइए चलते हैं। तो फैमिली आ जाओ, आपने देखा बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, आपने देखी लोकेशन, क्या आपने देखी गली। तो अब आप आ गए हो हमारे इस 4 BHK घर के अंदर, हवा महल के अंदर। नहीं, अब हम इसको 4 BHK नहीं बोलेंगे, इसको हवा महल बोलेंगे 4 BHK का। तो फैमिली ये है 4 BHK का हवा महल, जिसके ड्राइंग रूम में मैं बैठा हुआ हूँ। आप देख रहे हो क्या खूबसूरत यहाँ पे सोफे लगे हुए हैं, कि आप फैमिली देख रहे हो क्या शानदार जो है वो डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है। तो आप 4 सीट के साथ, मतलब 4 चेयर्स हैं वहाँ पर एक अभी मैंने यहाँ उठा के रख ली है। इधर आप देख रहे हो क्या बढ़िया विंडो, आप देख रहे हो कितनी शानदार, पूरी वेंटिलेटेड है ये जगह बिल्कुल। अगर हम इसके, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर हम इसको एक बार होल से अगर इसको ऐसे कर देते हैं पर्दों को, ये देखिए क्या वेंटिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया। जब ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आएगी, इतना बढ़िया जो है यहाँ पर आपको फीलिंग मिलने वाली है। पूरी वॉल ऐसी दी है हमने, यहाँ पर आपको फुल वेंटिलेशन करा है, ग्लास लगा के दिया हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से। सोफे आपने देखे कितने शानदार तरीके से आपको यहाँ पर हमने लगा कर दिए हैं। डाइनिंग आपने देखा, सजावट बहुत अच्छी करी है ड्राइंग के अंदर, बहुत अच्छा मतलब जिसे कहते हैं हमने खूबसूरत तरीके से तैयार करा है। बात करेंगे अगर इसके फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की, तो फैमिली देखो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कितना खूबसूरत यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जा रहा है यहाँ पर। और अगर बात करेंगे अगर इसके आपके LCD पैनल की, तो एक बार फैमिली LCD पैनल की तरफ आप देखो कि इसका LCD पैनल कितना खूबसूरत है, बहुत ही शानदार LCD पैनल दिया हुआ है, मतलब बहुत ही मैचिंग, बहुत बढ़िया। इसके जो डोर आप देख रहे हो और LCD पैनल का जो आप प्लाई देख रहे हो, दोनों के जो आप देख खूबसूरती देख रहे हो, दोनों सेम दी हुई है। तो बहुत अच्छी लुक जिसे कहते हैं ड्राइंग के अंदर आपको मिल रही है। ये आपका ड्राइंग एरिया है, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत। इस वॉल का तो आपने देख ही लिया होगा क्या शानदार खूबसूरती यहाँ पर भी आपको दी हुई है, बहुत ही बढ़िया ये खूबसूरती हमने इस ड्राइंग के अंदर दी है। अब इसी ड्राइंग के अंदर एक कॉमन बाथरूम आपको मिल जाता है, पहले दिखाता हूँ कॉमन बाथरूम। एक बार बाथरूम आप देखो क्या शानदार हमारा ये हवा महल के अंदर बाथरूम मिल रहा है, बढ़िया। ऊपर तक वाइट, ऊपर तक टाइल लगाकर आपको दी गई है, कितनी शानदार वाइट टाइल दी गई है आपको। और साथ में अगर आप देख रहे हो कितनी अच्छी फिनिशिंग दी है नीचे भी, तो आपको यहाँ टॉयलेट सीट मिल रही है, वॉश बेसिन मिल रहा है आपको, सारा मतलब बहुत खूबसूरत आपके लिए वॉशरूम जो है वो तैयार करा गया है।
और अब बात करेंगे जब अगर हम यहाँ से एंट्री करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से एंट्री करी है फैमिली, ये हमारा ये यहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं स्टेयर से, लिफ्ट से हम आए, लिफ्ट से हमने एंट्री करी, इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है वो आपको बताया ही है मैंने। लिफ्ट से जब हम आते हैं तो दो रूम आपको यहाँ मिल जाते हैं सामने ही, वेंटिलेटेड है, और दो रूम इधर सामने मिल जाते हैं। तो पहले चलेंगे हम इस साइड वाले रूम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला रूम, देखिए क्या बढ़िया हमारा ये रूम है और बहुत शानदार है। नीचे अगर आप देख रहे हो, डबल बेड लगने के बाद बहुत बढ़िया स्पेस मिलता है, वेंटिलेशन है पूरा पूरा, विंडो एसी का स्पेस मिला हुआ है, विंडो लगी हुई है, ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन दिया हुआ है बहुत बढ़िया, और पीछे तो आप देख रहे हैं क्या खूबसूरत आपके लिए ग्रे एंड ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे फिनिशिंग दी हुई है बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे वॉलपेपर ना लगाकर हमने यहाँ पर इस बार ये चीज़ लगाई है आपके लिए, और ये पहले ग्रीन घास के अंदर ज़्यादा आती थी, ग्रीन कलर की शेड दी जाती थी, पर अब की बार थोड़ा ग्रे कलर की फिनिशिंग दी है, एक वॉलपेपर आपको यहाँ मिल जाता है। बात करेंगे हमारे सेकंड रूम की जो मैं आपको बता रहा था, तो आइए अब सेकंड रूम के अंदर फैमिली ये देखिए सेकंड रूम के अंदर क्या खूबसूरत वॉलपेपर यहाँ पर आपको मिलता है, और यहाँ पर भी सेम वही हमने वॉलपेपर की जगह अब की बार यहाँ पर आपको ग्रीन वाली हमने यहाँ पे बहुत बढ़िया आपकी खूबसूरती यहाँ पे वॉल तैयार करी है, जैसे वहाँ पे ग्रे कलर की फिनिशिंग दी है यहाँ पे ग्रीन कलर की दी है, ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन बहुत अच्छा दिया हुआ है आपको, बहुत शानदार है, फैन लगा के दिया हुआ है, और रूम का साइज़ तो बहुत ही शानदार है, आप देखिए कितना शानदार जो है वो रूम का साइज़ आपको यहाँ मिल जाता है, डबल बेड आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड रूम था, अब हम चलते हैं यहीं से अपने जो ड्राइंग रूम होते हुए हमारी किचन की तरफ को। तो किचन बहुत शानदार है, बहुत खूबसूरत है, किचन की तरफ एक और फैमिली देखिए क्या बढ़िया फिनिशिंग के साथ हमने ये किचन तैयार करी हुई है, चिमनी लगा कर दी है यहाँ पर आपको, एक यहाँ विंडो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ से आप एग्जॉस्ट वगैरह लगाना चाहो लगा सकते हो, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपके लिए स्पेस मिल जाता है, जो आप देख रहे हो कितना शानदार स्पेस आपको मिलता है। इस साइड में ये जो वॉल आपकी बहुत खूबसूरती जो है किचन की और ज़्यादा बढ़िया बढ़ा देती है, यहाँ से इसकी वजह से बहुत अच्छी लुक भी आपको मिल जाती है। एक ये स्पेस आपको थोड़ा सा दिया गया, कुछ लेन देन करना हो किचन से या हॉल के अंदर और किचन के अंदर ड्राइंग रूम में, यहाँ से लेन देन कर सकते हो, कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए सास बहू नंद यहाँ पे खाना बना रही है, तो जैसे उनके बेटे उनके हस्बैंड उनके जो ससुर हैं वो सब यहाँ उन आपस में लेन देन कर सकते हैं यहाँ से खाने पीने के मामले का, ठीक है। तो फैमिली देखिए सिंक आपको यहाँ पर दी हुई है, बहुत बढ़िया स्पेस है, चिमनी दी हुई है, किचन बहुत बेहतरीन तैयार करी है। अब चलेंगे हम अपने दो रूम तो आपको दिखाएं, अब ये जो दो रूम है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, वो तो है ही 4 BHK के अंदर दो रूम, वो तो नॉर्मल होते ही होते हैं, पर अब ये रूम नहीं है, ये तो रूमा है, मतलब दो रूम का मिलके एक रूम बना हुआ जिसे कहते हैं ना, देखो कितना बड़ा ये रूम हमें मिल जाता है यहाँ पर। ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया रूम है जिसे 14x10 का ये हमारा रूम है, इतना साइज़ है, डबल बेड लगने के बाद बहुत बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर बच जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेंटिलेशन की तो यहाँ विंडो मिल जाती है, ऊपर विंडो एसी का ऑप्शन मिल जाता है। तो फैमिली एक बार मैं आपको बालकोनी का जो है वो साइज़ दिखा देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है हमारी ये 4 BHK की बालकोनी का, क्योंकि ये एल कॉर्नर की पूरी बिल्डिंग है तो उसका हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है एल कॉर्नर का। यहाँ आप देख रहे हो वॉशिंग मशीन आपकी आराम से आ रही है, बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ टैब लगी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन है, ग्लासेस लगा रखे हैं हमने आपके यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत। अगर मैं बात करूँ अगर कैमरे को इस साइड लेकर आते हैं तो ये देखिए इधर का स्पेस भी आपको बहुत काफ़ी बड़ा जो है वो मिलने वाला है, तो बहुत शानदार स्पेस मिल जाता है बालकोनी का। तो चलिए अब चलते हैं अभी दोबारा से इस रूम के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम के अंदर की खासियत, अभी तो आपको मैंने साइज़ दिखाया था, अब रूम के अंदर खासियत क्या है। सबसे पहला तो इसके अंदर आपको अलमीरा मिलती है, वो भी स्लाइडिंग, स्लाइडिंग याद है ना आपको, स्लाइडिंग बोले तो स्लाइडिंग अलमीरा, तो ये हमारी स्लाइडिंग अलमीरा यहाँ पर आपको मिल जाती है बढ़िया स्पेस के साथ। और इसी ही रूम के अंदर एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर तो एक डिज़ाइन तैयार करा गया है, LCD पैनल आप देखिए, ये जो वॉल आप देख रहे हैं ना बहुत खूबसूरत वॉल तैयार करी है हमने, LCD पैनल का डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत है, और इधर हमने ग्रीन कलर की दोनों तरफ को आपको डिज़ाइन दिया हुआ है, आप कितना शानदार फिनिशिंग इसकी दी हुई है। बात करेंगे अगर इसके फॉल सीलिंग के डिज़ाइन की तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो आइए अब चलते हैं हम अपने सेकंड रूम की तरफ को, मतलब कि यहाँ से सेकंड रूम की तरफ को, मतलब कि हमारे फोर्थ रूम की तरफ को। तो फोर्थ रूम में जब हम एंट्री करते हैं फैमिली, ये है हमारा मास्टर बेडरूम, बहुत ही ज़बरदस्त बेडरूम है, घूमते फिरते नाचते गाते आप इस रूम के अंदर आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, इतना बड़ा रूम है 4 BHK का, मतलब 4 BHK के रूम हैं होने चाहिए इतने बड़े एटलीस्ट, मतलब 14x10 14x11 के आपके ये रूम हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बढ़िया साइज़ मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको एक अलमीरा मिल जाती है, स्लाइडिंग अलमीरा मिल जाती है बहुत खूबसूरत, एक बाथरूम इसके अंदर आपको मिल जाता है अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे आपको एक बाथरूम भी मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत।
और बात करेंगे बाथरूम की, तो बाथरूम में सारी फिनिशिंग आपको मिली है, फिटिंग मिली है। यहाँ पर एक विंडो भी आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ विंडो भी आपको मिल जाती है, और ऊपर जो है आपको विंडो एसी लगाने का जगह भी मिल जाती है। एक बहुत प्यारा वॉलपेपर आपको यहाँ पर हमने दिया हुआ, देखिए क्या खूबसूरत, हमारे लिए आपके लिए हमने यहाँ पर एक वॉलपेपर लगा कर दिया, खूब बड़ा, चिड़ियाँ उड़ा दिए जिसे कहते हैं, बड़े बड़े बतख उड़ा दिए, बाज उड़ा दिए, सब उड़ा दिया हमने, हमें खुद नहीं पता हमने क्या क्या उड़ा दिया, बस उड़ा दिया है, कुछ भी उड़ा दिया है, वो आप समझ लो क्या उड़ा दिया हमने। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन तो बहुत ही बेहतरीन है यहाँ का भी। सो आइए फैमिली, ये मैंने आपको अपने 4 BHK का पूरा एक टूर कराया, पूरा आपको घुमाया अच्छे से। एक खास चीज हो रहा है इसके अंदर, अगर आप ड्राइंग रूम के पास से जब हम अपनी रूम की तरफ को आते हैं तो आप ये स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको अलमीरा दी गई है, यहाँ भी हमने आपके लिए काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, इस हॉल के अंदर भी ये स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं, ऊपर भी कैबिनेट दिए हुए हैं आपको, और यहाँ पे आप मंदिर वगैरह हमसे बनवाना चाहे तो वो हम आपको बनाकर देंगे, यहाँ पर भी आपको स्पेस दिया हुआ है काफ़ी, इसको जिस यूज़ से करना चाहो आप कर सकते हो, अभी हमने इसको फ्री छोड़ा हुआ है, आप इसको किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मंदिर के हो चाहे वो आप इसको नॉर्मल यूज़ करो। तो फैमिली ये आपने देखा कितना बढ़िया स्पेस हमने यहाँ पर आपको दिया 4 BHK फ्लैट का, ऐसा फ्लैट आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये है हमारा हवा महल फ्लैट, 4 BHK का फ्लैट हमारा ये, वो भी उत्तम नगर के अंदर नवादा मेट्रो स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो आइए हमारे इस फ्लैट को बुक कराइए, हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कीजिए, और अगर आपको ये फ्लैट पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसके अंदर क्या कमी है क्या अच्छाई है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम अपनी उस कमी को अगली बार और पूरा करें और आपका भरोसा जो है वो बनाए रखें अपने ऊपर। तो फैमिली आइए, अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे फ्लैट को आके बुक कराइए, ऐसा फ्लैट नहीं मिलने वाला है। तो फैमिली नींव नमस्कार, हेलो दोस्तों।